सरकार जब से आई है तब से विवाद ही विवाद है। रोहित मुमला कांड होता है, कहते हैं कि मुझे मार लो, दलित भाइयों को मत मारो, विवाद ही चल रहा है। मोदी जी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं युद्ध की धरती से नहीं आया हूँ। 8 साल तो हो गया उनका पूरा ड्यूरेशन, वो बता दें कि बुद्ध की परंपरा से कौन सा काम इस देश में किया, एक भी काम बता दें। सर उद्घाटन तो क्या है ये देखिए। नहीं नहीं, आप सवाल आप पहले सुन लीजिए ना। अब आप लोगों क्या मिर्ची जैसे वैसे पिन मार देना। बुद्ध की परंपरा, उद्घाटन बुद्ध की परंपरा से हुआ है, कैसे जर्नलिस्ट हैं आप? उद्घाटन हुआ वहाँ पंडित जी बैठे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, आप इतना भी तो बौद्ध तो कह रहे हैं बुद्धि हिंदुओं की इकाई है ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं। कहने से थोड़ी है, बौद्ध लिटरेचर तो पहले पढ़े हैं। जबरदस्ती के वो तो जिससे हार जाएगा वो सबको बोल देगा कि इकाई ही है, जिससे हारेगा सबको इनकॉर्पोरेट करेगा। पहले संदर्भ समझ लीजिए क्या कह रहा। कहते हैं कि हम जा रहे हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ जो बात बोलते हैं जो काम करते हैं वो सब आता है मनु के परंपरा से आता है। अगर बुद्ध हिंदू ही है तो आप भंते को बुलवा लेते ना वहाँ पे बुद्ध वंदना कराते हैं, तो सिर्फ कहने के लिए तुम भाई हो, किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, कहने के लिए भाई हो, लेकिन सारे अधिकार मेरे रहेंगे, तुम चुपचाप बैठो, ऐसे नहीं चलता है। नंबर एक। नंबर दो, सारे प्रतीकों से छेड़छाड़ हुई, अंग भंग भी है। देखिए अशोक के ज़माने का जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसमें जो नेचुरल है, ये आखिर किसके आदेश से ये छेड़छाड़ हुई? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, 2 मई 1950 को उन्होंने भाषण दिया था कि मैंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए हिंदू धर्म में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए राष्ट्र ध्वज बुद्धिस्ट परंपरा से लिया गया। राष्ट्रपति को देने के लिए कुछ नहीं तो बुद्धिस्ट सिंबल दिया गया। तो ये जो सिंबल पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या रहे, ये अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ से, वहाँ का जाके स्ट्रक्चर देखिए और ये जो बनाया गया है वो देखिए, उसमें आपको अंतर स्पष्ट, वो एक शांति मुद्रा में। शांति मुद्रा में से क्या मतलब है कि उस राज्य में जहाँ पे शांति से शेर भी शांति से रहते, और आप जो दिखा रहे हैं पूरा एकदम आदमखोर, इसका क्या सिंबोलिज्म का मतलब होता है? सारे सिंबल सारे कलर जो है ना बदले जा रहे हैं, सब भगवा हो रहा है। तो संविधान सभा में इसमें डिबेट हुआ, सबसे पहले ये पता लगाया जाना चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं आरटीआई लगाइए, कि ये जो चेंजेस आया है ये आर्किटेक्ट ने ये अपने स्वतः किया है या जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके आदेश पे हुआ है या पीएमओ के आदेश पे हुआ है? क्योंकि इस राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक आपराधिक मामला है। आप देखते हैं कि झंडा को लेके कोई लपेट लेता है या कुछ अपमान करता है तो उस पर मुकदमा होता है कि नहीं? होता ही है। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो ये भी क्रिमिनल एक्ट है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने कई कानून वेताओं से बात की है, कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक में अगर बदलाव करना हो, छेड़छाड़ नहीं, बदलाव और छेड़छाड़ में अंतर होता है, ये बदलाव करना हो तो दोनों सदनों की सहमति, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, कह रहा हूँ संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, तब जाके उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सरकार है, ये इसके 100 मुंह हैं, आरएसएस के 100 शाखाएं हैं, कुछ बोलता है कुछ और, करता कुछ और है, सब ये करता है। तो ये जानबूझ के इस तरह से जो प्रतीक हैं, जो जैसे अशोक उनकी नज़र में ठीक नहीं है अशोक, इसलिए आपने देखा होगा एक साहित्य अकेडमी विजेता थे, उनकी एक किताब अभी आई थी, मैं भूल गया, उसमें मैंने बातचीत भी की थी, सम्राट अशोक, उसमें विलेन दिखाया गया है। तो जितने ऐसे प्रतीक हैं जो इनके विचारधारा में, इनके जो ब्रह्म विचारधारा में, कह रहा हूँ अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, ब्रह्म राष्ट्र वर्ण राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें वर्ण के हिसाब से सब अपना काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र जो है ना एक मिसनोमर है, उसमें सब लोग समझ लेता है कि अच्छा है, बैकवर्ड दलित सब समझ लेता है कि हम भी तो हिंदू ही हैं, वो गलत धारणा है। ये वर्ण राष्ट्र और ब्रह्म राष्ट्र, तो ये जानबूझ के आप नोट को देखिए, 2000 का नोट अब दिखता है एटीएम से निकलता है नहीं, सारे प्रतीक धीरे धीरे, सबसे पहला जब अगर राज सत्ता पे किसी को कब्जा करना होता है, सबसे पहला जो टारगेट होता है प्रतीकों का बदलना, प्रतीकों पर कब्जा करना,
तो जितने ऐसे बौद्ध परंपरा से सेकुलर स्टेट को सिंबलाइज करने वाले प्रतीक थे, उस सबको जो है धीरे 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 इंटेंशनली किया जा रहा है। अगर कलाकार ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए आर्किटेक्ट ने अगर ये किया है तो उसके ऊपर सरकार जो है कानूनी कार्रवाई करे, इसमें जांच बैठनी चाहिए और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको कानूनी तरीके सर, से कहा जा रहा है ये स्वतंत्र देश का स्वतंत्र शेर है। जब शेर बना था उस समय आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते है ना, कैमरा ले घूमते रहते हैं, वो जो अशोक स्तंभ बना था वो प्रतंत्र देश में बना था। इस संविधान सभा जब मैं कह रहा हूँ बार बार डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद ये आजाद भारत में ही बना है, गुलाम भारत में नहीं बना है, ये आपको पता होना। लेकिन तर्क तो अब यही दे रहे हैं ना, वो तो तर्क तो कुछ भी कर सकते हैं, गाय का मूत्र पी के वो कैंसर इलाज कर सकते हैं, वो उस डिबेट में हमको क्यों फंसा रहे हैं जहाँ पे साइंटिफिक बात नहीं है, सिर्फ आस्था पे जो मर्जी है कह दो, जहाँ मर्जी है जो ढूंढ लो। शेर का बड़ा आकार हो गया थोड़ा, इस वजह से भयानक लग रहा है। नहीं नहीं भयानक हो गया, कैसे भयानक हो गया, आपका हम बड़ा फोटो बना दे 10 फुट का तो गजेंद्र का फोटो जैसा है वो इसी नजर आएगा, अमिताभ बच्चन का फोटो लगता है, नरेंद्र मोदी का लगता है, तो जैसा चेहरा होता है वैसा ही बनता है कि मुंह ऐसे फड़ा हुआ बनता है। तो वो कह रहे हैं दांत हैं तो दिखेंगे ना, आप जाके उन्हीं से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब प्रतीक के साथ छेड़छाड़ कैसा कला, इसका मतलब है घटिया कलाकार लेके आए हो जिसको नकल करना इमिटेशन करना भी नहीं आता है। घटिया कलाकार पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया होगा ना, ये क्यों नहीं मान। सर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ हुई तो कार्रवाई भी तो होनी चाहिए सर। नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप लोग उठाइए इस बात को, तो इसने की अगर कलाकार ने की है तो उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कार्रवाई होती है। लेकिन सर वो पहले धनुष राम के गले में होता था, बड़ी शांत अवस्था में था, लेकिन आप उसे तो चलाते हुए खड़ा दिखाते हैं। हनुमान जी भी चेंज करते हैं। क्या कह रहा हूँ, हम राम माने या ना माने, हनुमान माने या ना माने, राम का जो सिंबलिज्म था वो मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम जन कल्याणकारी, हनुमान भी ऐसे लगते थे कि जन कल्याणकारी हनुमान है। ये अब आ रहा है रणोद्धत, एंग्री हनुमान, रणोद्धत राम, रणोद्धत का मतलब है एकदम रण में जाने के लिए धनुष लेने के लिए तैयार। इस सिंबलिज्म का अर्थ नहीं समझते हैं, किसको डराने के लिए सब बनाया जा रहा है, ये सीधा और सीधा मुसलमानों को डराने के लिए एक सिंबलिज्म है और उसका रिफ्लेक्शन आप कल्चर में देख सकते हैं। जितने 8 साल में मॉब लिंचिंग हुई है, जितना मुसलमानों को मारा गया है, गाय गोबर के नाम से सब मारा गया, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए सिंबोलिज्म आसान मत समझिए, सिंबोलिज्म का मतलब है धीरे धीरे सिंबोलिज्म के थ्रू ही आपकी इतिहास को आपके स्मृतियों से मिटा दिया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।